जय माता दी। दर्शकों, आपका अपना वैद्य ज्योतिष संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं ग्रहणी दोष के बारे में। ग्रहणी जो दोष होता है उससे जातकों के लिए क्या क्या प्रभाव पड़ता है, हर किसी मनुष्य को आगे बढ़ने की एक कामना है और कोई प्रकार के जो दोष होते हैं उससे बचने की चेष्टा और जानकारी जानना चाहते हैं। दर्शकों, इस एपिसोड में हम विषय लेकर आए हैं कि ग्रहणी दोष कैसे बनता है और ग्रहणी दोष का क्या क्या लक्षण है और क्या क्या इसका प्रभाव पड़ता है, आप जानिए। ग्रहणी दोष जो होता है राहु सूर्य के साथ बनने से ग्रहणी दोष होता है, एक साथ बैठने से, और चंद्रमा और केतु के साथ बैठने से ग्रहणी दोष बनता है। ग्रहणी दोष हमारे हिंदू धर्म में या जो परंपरागत है वो दो होते हैं, एक पूर्णमासी पर लगता है और एक लगता है अमावस्या पर। तो ग्रहण दोष का मतलब ये होता है कि जैसे किसी कुंडली में राहु सूर्य एक साथ किसी भी भाव में विराजमान है, उस स्थिति में क्या है ग्रहण दोष माना जाता है और ग्रहण दोष के लक्षण पाए जाते हैं। उससे क्या होगा, व्यक्ति के लिए किसी भी काम में मन नहीं लगना, असफलता, और पूर्ण रूप से मतलब काम करने से पहले उस काम में डर लगना और हार मान जाना, और पढ़ाई में कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन रहना, या मैं कोई काम करने से पहले लोगों के लिए सलाह न लेना और उसमें नुकसान हो जाना, और हेल्थ के लिए ज़्यादातर खराब होता है। और जैसे कि पेड़ होता है, उस पेड़ में आप डेली पानी डालते हैं, सींचते हैं, वो हरा भरा रहता है और कुछ क्षणों बाद वो सूखने लगता है, तो कहीं ना कहीं उसके पेड़ की जो जड़ होती है दर्शकों उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो जड़ को कीड़े खाते हैं, पेड़ सूखता है। आप डेली पानी डालते हैं, उससे कोई प्रभाव उसमें नहीं पड़ता है। इसी तरह सेम जो हमारा जीवन होता है वो जीवन ये है कि ग्रहणी दोष यदि लगता है कुंडली में तो व्यक्ति खूब अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा मतलब अपना कर्म धर्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनकी तरक्की, उनका व्यापार, उनकी शादी में रुकावट और कहीं ना कहीं मतलब किसी चीज़ में मतलब बेचैनी उनको बनी रहती है। इसलिए जो है हमारी संस्थान के द्वारा आपको उपाय बताया जाएगा ग्रहणी दोष का क्या उपाय है और कैसे करना है। ग्रहणी दोष के कारण से व्यक्ति बहुत ही तनाव मुक्त होते हैं और अपनी लापरवाही से कोई नया काम नहीं करते हैं, और जो भी व्यक्ति किसी के लिए काम करते हैं तो वहाँ से एक मतलब हानि होती है और अशुभ समाचार की प्राप्ति होती है। दर्शकों, आपको विशेष रूप से ध्यान देना है राहु केतु जो होते हैं, राहु एक छाया ग्रह है, सूर्य एक प्रकाशमान, एक राजा ग्रह हैं, ऐसी स्थिति में ग्रहणी दोष बनता है। और चंद्रमा एक के चंद्रमा जो ग्रह हैं वो सतोगुणी हैं, स्त्री ग्रह हैं, केतु एक पापी ग्रह है, इन दोनों से ग्रहणी दोष बनता है। इसलिए इनकी शांति के लिए आपको क्या करना है कि 1.25 किलो कोयला और 1.25 किलो नमक को लेकर 7 बार अपने सिर से उतारकर किसी जल में सराहना है, और उसी घाट पर उसी जल के किनारे आपको अपने एक जोड़ी कपड़े को भी छोड़ना है संडे के दिन। इससे ग्रहणी दोष का उपाय और एक अच्छा लाभ और ये आपका दोष हट सकता है। और विशेष जानकारी के लिए आप हमारे संस्था से संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। चंद्रमा केतु का जो है उसके लिए आपको 1.25 किलो चावल और 1.25 किलो काला उड़द लेकर 7 बार सिर से उतारना है, और वो भी कहीं ना कहीं आपको जल में विसर्जित करना है, और एक जोड़ी आपके अपने कपड़े छोड़ना है। इसके करने से ग्रहणी दोष को भी आपको उपाय करने से आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। ग्रहणी दोष के जो मेन कारण होते हैं वो ये होते हैं कि व्यक्ति को नौकरी में सफलता नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी में सफलता नहीं मिलेगी, और जिस मंजिल को पाना चाहता है उस मंजिल को वो दूर हो जाता है और क्रॉस हो जाता है, प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपको ये उपाय करने हैं, और हो सके तो भगवान शिव की आराधना करें और अपने काम को आगे करने के लिए आगे बढ़ें। दर्शकों, हमारा इस वीडियो को आप देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं और आगे भेजें। इसमें अच्छी सटीक जानकारी आपको दी जाए देंगे और बताएंगे कि जो भी आपके ग्रहणी दोष की आप परेशान हैं या आगे कुछ करना चाहते हैं इसका क्या उपाय है, हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।